आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, KVS PRT का एग्ज़ाम हम सबका हो गया है। अब हम सब आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो कुछ ही दिनों में आंसर की आ जाएगी, लेकिन मैंने कहा था दोस्तों, हम सभी को अच्छे से मान कर चलना है कि हमें इंटरव्यू देना है। तो दोस्तों, इंटरव्यू में आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सब चीज़ें तैयार कर लीजिए अपने समय से, वरना फिर आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा और आपका अच्छा इंटरव्यू नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जो मैंने बहुत जगह से लेकर के कलेक्ट किए हैं, गूगल से कलेक्ट किए हैं, बहुत से अच्छे अच्छे जो टीचर हैं जिनका KVS का इंटरव्यू हुआ है उन्होंने बताया है, मैंने एक जगह वो चीज़ें ली है। तो आप इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको कम से कम 1 से लेकर 8 तक मैथ्स तो आना चाहिए, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। आप एक बार अपना समय निकाल के दोस्तों NCERT की बुक केवल देख लीजिए, उसमें कौन कौन से किस किस तरीके से टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि आपसे वहाँ पे पूछ सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों है कि आप बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चन समझाएंगे, ये आपको ऑलरेडी सब कुछ बुक में ही दिया जाता है, किसी से सीखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप जब NCERT की बुक उठाएंगे तो वहाँ पे आपको टीचर से रिलेटेड जो आवश्यक बिंदु होते हैं वो आपको बुक में दिए जाते हैं कि कोई क्रियाकलाप है टीचर को किस तरीके से बच्चों से कराना चाहिए, तो वो क्रियाकलाप भी आपको सारे पता होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए, कुछ भी आपसे वहाँ से रिलेटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि वही सब आपको पढ़ाना है, वही सब आपको अपने क्लास में करना है। तो ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश के कम से कम 3 से 4 कविताएं दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, और उन कविताओं में जिस तरीके से आपकी लाइनें हैं उस पर आप बच्चों को थोड़ा सा अभिनय करके समझा पाएँ, इस तरीके से आपको तैयार होनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश के कम 3 से 4 कविताएँ आप सभी लोग समय रहते ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अभी तक इंटरव्यू देखे जा रहे हैं, जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट निकल कर आ रहा है कि आपको कविता इंग्लिश और हिंदी में 1-2 ज़रूर पता होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से, कि आप क्लास में अगर बाई चांस आपका कोई ऐसा विषय है जिसमें आपको बच्चों को कविता पढ़ानी है, तो बिल्कुल नीरस तरीके से आप बच्चों को कविता नहीं पढ़ा सकते हैं कि बस ऐसे खड़े हो गए और बोल दिया, तो वो आपको भी पता है आपने इतनी पैडागोगी पढ़ी है, वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ा सा आप अभिनय करके बच्चों को जब कविताएं पढ़ाएंगे तब बच्चों को अच्छा लगेगा, और इंटरव्यू जो आपका लेगा अगर आपके अंदर ये क्वालिटी देखेगा कि हाँ, आपको बच्चों को कविता किस तरीके से पढ़ानी है ये चीज़ पता है, तो यहाँ पे आपका ये प्लस पॉइंट रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, कम से कम क्लास 5 तक, 1 से लेकर 5 तक जितनी भी किताबें NCERT की चलती हैं, उन सभी का नाम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि EVS की बुक का नाम क्या है, हिंदी की बुक का नाम क्या है, मैथ्स की बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, ये सब कुछ आपको दोस्तों पता होना चाहिए। स्पेशली तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इतनी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ी सी हार्ड वोकैब भी आपको याद रखनी है कि पता आपसे टीचर बोल दे कि जाओ बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख कर दिखाओ, तो वो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हार्ड वोकैब आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और वो सब आपको कैसे तैयार करनी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप वोकैब देखिए जो आपको बिल्कुल, मतलब आपको लगता है कि ये मुझे आती ही नहीं है, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 5 तक एक बार आप हिंदी की, नहीं तो हिंदी तो आपको लिखनी है 100% आती होगी, अगर नहीं आती है उसको भी सीख लीजिए थोड़ा बहुत। इंग्लिश एक बार क्या करिए, ऐसे सरसरी निगाहों में किताब पूरी देख डालिए, वहाँ से कविता भी आपकी तैयार हो जाएंगी, लेसन के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, और आपको जहाँ पे लगता हो कि ये शब्द आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको गूगल करके, उसको अच्छे से देख करके आप उसको सीख लीजिए, इतना भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको बेसिक लेवल की साइंस भी पता होनी चाहिए, बेसिक लेवल की साइंस पता होनी चाहिए। आप बहुत से लोग साइंस साइड से होंगे, अगर साइंस साइड से हैं इंटरव्यू में, आप इंटरव्यू को जो लेगा आपका उसको पता होगा कि आप साइंस साइड से हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे बेसिक लेवल की साइंस ज़रूर पूछ सकता है, कक्षा 6, 7, 8 की बेसिक लेवल की साइंस पूछ सकता है कि आपको चीज़ें पता हो, पता आपसे वो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ रहा है, आपको प्रकाश संश्लेषण ही नहीं पता है, उसने पूछ दिया कि पत्ती में हरा रंग किस तरीके से होता है, आपको वही चीज़ नहीं पता है, जड़ आपसे पूछ दिया जड़ के बारे में कुछ, आपसे तने के बारे में कुछ पूछ दिया, आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसने आपसे आयोडीन परीक्षण के बारे में पूछ दिया, प्रोटीन परीक्षण के बारे में पूछ दिया, तो आप अगर नहीं बता पा रहे हैं तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि आप
टीचर बन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कक्षा 6-7 के बारे में ही नहीं पता है, तो आप जा कर के बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? ये तो वही हो जाएगा कि किताब उठाएंगे और बच्चों को रट्टाफिकेशन करा देंगे। तो जितना समय है आपके पास दोस्तों, आप पूरी तरीके से तैयारी अच्छे से और कर लीजिए। इसके अलावा शायद एक पॉइंट आपका और है, हिंदी में भी दोस्तों आपको कठिन शब्द लिखने आने चाहिए, आधी रा वाले शब्द, उड़न की रा वाले शब्द, संयुक्त अक्षर वाले शब्द, ये भी आपको बहुत अच्छे से लिखने आने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो आपका लेगा वो कहीं ना कहीं आपसे ये शब्द पूछ सकता है। तो मैंने इतने सारे आपके पॉइंट दोस्तों बहुत से वीडियोस को देख करके आपको बताया है, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर चाहता हूँ कि मैं आपकी हेल्प इस तरीके से कर पाऊँ। जिस तरीके से मुझे चीज़ें दोस्तों इधर उधर से मिल जाती हैं, मैं एक साथ लेकर के आपको बताने की कोशिश पूरी करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर आप करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में टीचिंग एग्ज़ाम की, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझसे जितना हो पाएगा दोस्तों, मैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी अपने चैनल पर बताता रहूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया फिर से कहूँगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।